मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और अपना वोट कर रहे हैं। आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तय हो जाएगा कि कौन आपका जनप्रतिनिधित्व करेगा, कौन सरकार में सरकार बनाएगा और कौन मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी आने वाले दिनों में तय होगा इसी आधार पर कि ईवीएम में किसकी तरफ ज्यादा वोट गिरता है। हमारे साथ में कुछ मतदाता है जो अपना अपना वोट करके आए हैं, इसे जानेंगे कि किन मुद्दों के ऊपर इन्होंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? मैं संजय अलवा हूं और मैं सिंधी समाज का नेतृत्व करता हूं। मैं सिंधी समाज महासचिव हूं, सिंधू सेवा सर्किल सिंधी बीएचएल सिंधी समाज से। सबसे पहले ये बताइए, ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा है, पीसी शर्मा कांग्रेस के मौजूदा विधायक और वही प्रत्याशी भी है, और भगवान दास सबनानी भाजपा के प्रत्याशी है। इस सीट में क्या अभी आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, इस समय तो जो मुद्दा है तो पिछले काफी टाइम से इन 5 सालों में जो विकास हुआ है तो उसको देखते हुए तो यहाँ पर तो हम भाजपा को ही वोट करेंगे। और चूंकि सबनानी जी काफी विश्वसनीय हो रहे हैं और पिछली बार यहाँ जो 5 साल से कांग्रेस थी तो ऐसा कुछ कार्य देखने में नहीं आया, तो इसीलिए इस बार हम जो है सबनानी जी को ही महत्व देंगे। सरकार का अगर कामकाज देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में, कौन से ऐसे काम रहे जिनसे आप इंप्रेस रहे और आपको लगता है कि सरकार के पक्ष में आपका वोट गिरेगा बीजेपी के पक्ष में? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा है। ओवरऑल अच्छा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और नेतृत्व जरूर चेंज होना चाहिए। मैं भी कुछ मतदाताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर के उभरा है मध्य प्रदेश में। देखिए, महंगाई तो अब ये ऊपर नीचे चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी जो बेसिक है बेरोजगारी, बेरोजगारी पे बजाय फ्री की रेवड़ियां बांटने के सरकार को चाहिए कि वो रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे। फ्री की रेवड़ियां बांटने की बजाय रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। वोट डाल दिया। क्या सोचकर वोट किया? राष्ट्र के विकास, धर्म संस्कृति की स्थापना और समस्त जो चीजें हैं बढ़ रही हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां समाप्त हों और अच्छा कोई सरकार बने और अच्छा सरकार बनकर के वो अच्छे लोग चुनकर आए जो काम करें, इसलिए डाला है। क्या लगता है, अच्छी सरकार बने तो जो सरकार चल रही है वही दोबारा बनेगी या परिवर्तन होगा? जो अच्छा कार्य करते हैं जो चलते हैं, चलंती विद्या पिशंत मेरु चलंती तारा रविचंद लग्नम कदापि गाले पृथ्वी जलंती, हमारे यहाँ सनातन धर्म में लिखा हुआ है। अच्छा कार्य करने वाले चलेंगे। एक पोलिंग बूथ में मैं गया, इसी तरह से कवरेज कर रहा था, कुछ मतदाताओं से बात हुई, आपस में भिड़ गए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। किसी ने कहा कि इसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर मुद्दा बनाया भी जा रहा है तो क्या दिक्कत है इसके नाम पर अगर वोट मिल रहा है। आपके हिसाब से हिंदुत्व की बात करना चुनाव में, मंदिर की बात करना, क्या आप जायज समझते हैं इसको या आपको लगता है कि नहीं इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मंदिर धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से धर्म और संस्कृति शिक्षा प्राप्त होती है। यदि उस स्थान को हम विवाद के रूप में लेते हैं तो दोनों चीजों की वास्तुता हानि हो सकती है, धर्म और संस्कृति की। हमारा मानना है कि धर्म और संस्कृति केंद्र बिंदु जो है उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। इस समय दोनों तरफ से देखा गया है, बड़े दल मुख्य दल जो है कांग्रेस भाजपा, दोनों दलों ने धर्म की बात की है। एक तरफ से बीजेपी ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत किया, तो वहीं कमलनाथ भी लगातार खुद को हनुमान भक्त के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दिए। आपके अनुसार क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में, किसको मिलेगा भगवान का आशीर्वाद? अपने माता का भक्त हूँ तो मुझे गर्व है, मैं अपने पिता का भक्त हूँ तो मुझे गर्व है, और हर व्यक्ति को अपने इष्ट पर गर्व होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के इष्ट हनुमंत लाल जी महाराज हैं और वो हनुमंत लाल जी महाराज के भक्त हैं तो गर्व होना चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति के इष्ट राम है तो राम पर गर्व होना चाहिए, हम हमारे भगवान राम हैं, हमारे पूर्वज हमारे इष्ट हैं, तो इसमें तो कभी कोई चर्चा ऐसी विषय नहीं है। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपको। तो आज लगातार हर जगह पे मतदान हो रहा है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर स्थिति देखने को मिली कि छिटपुट हिंसा की घटना हुई, चाहे वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखा गया हो, इंदौर में भी हमने देखा कि कई जगह पर हिंसक घटनाएं हुई। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा सकता है कि हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबके पहले ही पूरे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे नहीं रखती, बिना मुद्दे के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जब 2018 में चुनाव लड़ा था तो ये नहीं बोला था कि हम लाडली बहना या
और योजनाएं चलाएंगे, उसके बावजूद सब योजनाएं। कमलनाथ आज वोट करने गए थे छिंदवाड़ा में, उन्होंने अपना वोट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश को चौपट बना दिया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी ने एक बीमारू राज्य को स्वर्ण राज्य बनाया, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई है, ना कि कमलनाथ ने। दिग्विजय सिंह के टाइम हमारे मध्य प्रदेश की क्या हालत थी ये दुनिया जानती है। आज यहाँ भोपाल से इंदौर जाने में 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे का सफर है। मैं भी बात कर रहा था और भी मैंने मतदाताओं से वहां पर बात की, खासतौर पर महिलाओं का कहना है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप किन मुद्दों को देखते हैं? विकास की बात कर रहे हैं, फिर भी सरकार से कुछ और उम्मीद है? जो भी नई सरकार बनती है कैसा काम हो यहाँ पर? देखिए महंगाई है, महंगाई के भी कुछ कारण है। अभी हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना काल से गुजरा है और हमें सिर्फ आलू प्याज टमाटर इन पे नहीं चलना चाहिए। आज देश कहाँ है? देश के देश बर्बाद, पाकिस्तान की क्या हालत है, नेपाल की क्या हालत है और आपके बांग्लादेश, सब बर्बादी के। और हम आज इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने घर में 2 रोटी खा रहे हैं, वो महंगाई नहीं होती है और सब सुविधा के साथ हम अच्छे से जी रहे हैं। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन की लहर है क्या? बिल्कुल लहर है। क्यों? विकास कार्य देखे तो कितने हुए कितने नहीं हुए। ये मैं अभी बात कर रहा था मतदाता से, उन्होंने कहा कि विकास ही विकास है, चौतरफा विकास है। दिख रहा होगा आपको, आप खुद आए, आप खुद भोपाल में रह रहे हैं, आपने खुद देखा होगा कितना विकास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो आपको खुद को भी दिख रहा होगा। घोषणाएं हुई हैं कितनी हुई हैं, ये महिलाओं को जो पैसे दिए गए कितनों को दिए गए कितनों को नहीं दिए गए। आपके क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दे क्या भैया, हम तो बोले सबका विकास हो, बात खत्म। भाई जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी तो मिले। नौकरी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, रोजगार नहीं है। रोजगार वही है, जब ही तो रोजगार मिलेगा, जब नौकरी मिलेगी तो रोजगार अपने आप मिलना ही है। हर चीज देखिए, हर चीज को देखा जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा ये है, यहाँ से पीसी शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विधायक भी है मौजूदा, और यहाँ से भगवान दास सबनानी उनके विरोधी है भाजपा की तरफ से। क्या है सीट का माहौल? माहौल तो देखिए क्या है कि अभी शर्मा जी का लग रहा है। और प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रदेश का जहां तक बदलाव का बोला है तो बदलाव तो मतलब फिर आपको समझदारों, देखो मैं आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं पर बदलाव है जी, तो फिर कमलनाथ जी तो है। हमारे साथ में विष्णु खट्टीक जी है, कांग्रेस के महामंत्री हैं, दो पार के पार्षद के चुनाव में लड़ चुके हैं, उतर चुके हैं। चुनाव में तो भारी मतदान हो रहा है, लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? यह परिवर्तन होगा, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। किन मुद्दों के ऊपर ये लड़ा गया पूरा चुनाव, किन मुद्दों को आप हावी होते हुए देख रहे हैं? तेरा ये भ्रष्टाचार कितना हो रहा आप देखिए, बदनाम हो गया, पटवारी घोटाला हो गया और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो हर पब्लिक अब नहीं चाहती बीजेपी को। कांग्रेस बार बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे उठा रही थी, बीजेपी लाडली बहना योजना को कहीं ना कहीं बड़े तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी, अचानक से राम मंदिर के मुद्दे की एंट्री हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता समझ चुकी है कि ये राम मंदिर के उससे ये इससे कोई जनता कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहती, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ बेरोजगारी खत्म करना है, रोजगार देंगे हम। मैं चुनाव कवर कर रहा था, कुछ वोटर्स इस तरह से मिले, उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये लोग गुमराह करते हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यही सिर्फ वोटिंग के लिए ही करते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनमें और अपन में एक ही खून है, सिर्फ ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से पीसी शर्मा मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, उम्मीदवार भी हैं, भगवान दास सबनानी भाजपा से प्रत्याशी हैं, इस सीट पर आपको क्या माहौल लग रहा है? पीसी शर्मा जी एक नाम है, दिनों या रात हर गरीब के साथ रहते हैं और हर पब्लिक जानती है इनको, दिनों या रात 108 के नाम से जाने। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? 170 सीट जीत रही है, सरकार बना रही है हमारा नेता। तो देखिए विष्णु घटी जी ने साफ दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 170 सीट जीत करके सरकार बना रही है, और इस सीट से दक्षिण पश्चिम सीट से भी कांग्रेस के पीसी शर्मा जीतेंगे। और इन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, बीजेपी विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आगे ला रही है। कैसा उत्साह नजर आ रहा है आपको? ठीक है, काफी पब्लिक अवेयरनेस हुई है और जागरूकता आई है लोगों में वोट डालने की। कई सारे मुद्दे रहे पूरे चुनाव में, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग बातें की, आप किन मुद्दों के साथ में मतदान कर रहे हैं? यही भोपाल को स्वच्छ रखें, अतिक्रमण मुक्त करें, ये झुग्गी झोपड़ियां हटाएं, इतने मकान बना रहे हैं, अलॉट किन को हो रहे हैं समझ में नहीं आता है,
और उसके बाद ये भोपाल के जितने भी हाट हैं इनको कॉर्नर में करें। सबसे नेहरू नगर की तो ये समस्या है कि भोपाल हाट लगता है, इसको हटाएं जल्दी। आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे या केंद्रीय मुद्दे जो नेशनल मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दे रहे, क्योंकि बात दोनों तरफ की। क्षेत्रीय मुद्दे ही काफी रहे, प्रदेश चुनाव है ये तो दोनों पार्टियों का है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है ये। और शिवराज जी ने जो अभी इतने लाडली लक्ष्मी योजना, इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में, तो कांग्रेस भी एकजुट हुई है आखिरी समय में, देखते हैं पब्लिक का रुझान क्या होता है। वोट किया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं किया, अभी हमारा वो नहीं आया ना, वोटर आईडी नहीं है। आप लोग निकले हैं वोट करने के लिए, आपको लेकर के खूब राजनीति भी होती है, वादे भी खूब किए जाते हैं महिलाओं को लेकर के, क्या सोचकर वोट करेंगे? अब क्या यही है आगे का, देखो पेंशन होना चाहिए, लड़ने अनुकंपा मिलनी चाहिए नए भर्ती वालों को, उनको भी पेंशन होना चाहिए, जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगार भी होनी चाहिए, है ना। और शिक्षा में भी कितनी अभी देखो कितनी कटौती है, उसमें भी शिक्षा में भी अच्छी कटौती नहीं, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल कटौती। और महंगाई इतनी सर चढ़ी है कुछ पूछो मत, वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। वोट तो ये है कि अभी मेरे हिसाब से जो चल रहा है वो सही चल रहा है, लेकिन हिंदुत्व को सबसे इम्पोर्टेंट मैं महत्व देती हूँ, जो हिंदू हैं उनको तो स्पेशल वोट देना भी चाहिए, सभी को देना, ऐसे नहीं है सभी को देना चाहिए, लेकिन अभी जो कई लोग होते हैं ना कि घर में रहते वोट देते नहीं है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले हम देंगे तभी दूसरे हमारे को देख देख के वोट देंगे। तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे के आगे विकास के सारे मुद्दे पीछे छूट गए? नहीं आपके लिए बिल्कुल नहीं, विकास तो चल ही रहा है, मुझे लगता है कि विकास बहुत सही, मतलब जो भी पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है वो सही चल रहा है। अभी जो मुद्दा चल रहा है ले दे के लाली बहना को अभी आपने फोकस किया, मैंने सुना लाली बहना, अभी जो कांग्रेस ने बोला बीजेपी ने बोला सभी बहना को तो जरूर कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, चाहे स्टूडेंट को मिल रहा है, इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो आएगा कहाँ से, वो चीज सोचने का उनका काम है भाई, उसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है। वोट देना इम्पोर्टेंट है, किसको देना है वो हमारे दिमाग में है, वो ओपन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे अपनी तरफ है और हिंदुत्व की भी बात की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस की भी मौजूदगी है, पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर नजर आती है, ताकि किसी भी तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पर व्यवधान न डाल सके। और इस तरह से पूरे यहाँ पर बूथ में आप देखेंगे कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, पूरी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। और लगातार क्योंकि अब शाम का समय हो गया है, दोपहर के समय में मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम थी, जैसे जैसे शाम होती जा रही है और मतदाता बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों से भी दखल न्यूज यही निवेदन करता है कि घर से बाहर निकलिए और वोट करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप चुनने जा रहे हैं अपना जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार। सहयोगी सपना भाटी के साथ मैं आदीप खान, भोपाल, दखल न्यूज।